गाइस, विंडोज 11 को इंस्टॉल करते वक्त या आप कभी रिसेट करते हो, रीइंस्टॉल करते हो, तो वहाँ पे बीच में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपसे मांगता है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट। तो बहुत सारे लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं होता है या तो वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी रीज़न है, अगर इस पार्ट को तुम बाईपास करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, इस जगह पे आ जाओ जहाँ पे तुमसे ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगता है, और यहाँ आने के बाद तुम्हें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F10 की। शिफ्ट F10 एक साथ प्रेस करो और तुम्हारे स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट का एक ब्लैक विंडो ओपन होगा। ये ओपन होते ही यहाँ पे तुम्हें कुछ कमांड रन करनी है अपने इंटरनेट को डिसेबल करने के लिए, क्योंकि हम जो बाईपास करेंगे उसके लिए नेट को डिसेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो डिसेबल करने के लिए पहले आप कमांड यहाँ पर टाइप करो NETSH स्पेस इंटरफेस स्पेस शो इंटरफेस। अब ये क्या करेगा, जितने भी इंटरफेसेस है, जितने भी नेटवर्क अडाप्टर वो तुम्हें यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे देख लो, जो भी आपका इंटरफेस है, जैसे मेरा सिर्फ इथरनेट दिखा रहा है तो मैं इथरनेट को ही डिसेबल करूँगा। तो नेक्स्ट कमांड में तुम्हें टाइप करना है NETSH स्पेस इंटरफेस स्पेस सेट इंटरफेस स्पेस, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा वाला साइन देना है जो कॉमा क्लोज करते हैं। तो पहले ओपन कॉमा हो गया, उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस का नाम तुम्हें टाइप करना है। तो मेरे एंड पे देखो, मुझे सिर्फ एक इंटरफेस दिखा रहा है, इथरनेट जीरो वाला इंटरफेस के नीचे, तो उसको मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, फिर यहाँ पे कॉमा क्लोज कर दूँगा, उसके बाद स्पेस देके मुझे यहाँ पे टाइप करना है डिसेबल। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो इंटरफेस है वो डिसेबल हो गया है, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन हमें यहाँ पे अब नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा है, वाईफाई भी है, तो नेक्स्ट कमांड सेम ऐसे टाइप करनी है, और उसमें तुम्हें इस कॉमा के अंदर जो है उस वाईफाई इंटरफेस का नाम डालना है। तो सारे यहाँ पे इंटरफेसेस को डिसेबल कर लो, और उसके बाद यहाँ पे फाइनली तुम्हें एक कमांड टाइप करनी है OOBE बैक फॉरवर्ड स्लैश बाईपास NRO। इतना टाइप करो, उसके बाद एंटर करो। अब इसके बाद दोबारा से ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा और दोबारा से सेटअप करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन आने के बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा लोकेशन है, कीबोर्ड लेआउट है, सारी चीज़ों को यहाँ पे तुम अपना सेटअप कर लो, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट टू इंटरनेट वाला बोलेगा तो तुम्हें क्लिक करना है कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, और उसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट वाला पेज आता था वो यहाँ पे तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब तुम्हें यहाँ पे लोकल अकाउंट वगैरह डाल के यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो और आसानी से विंडोज़ 11 को यहाँ पे सेटअप कर पाओगे। तो फ्री गाइस, ये आसान सा तरीका तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और अपने सवाल के लिए जो कोई प्रॉब्लम होती है, सवाल होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।